का जो आज मुआवजा है कल विश्व भर दिवस किस तरह का जो है, क्या इसमें क्या विशेषताएँ इसकी? मित्रों, 1945 में दुनिया की आधी से अधिक आबादी भूख से परेशान थी, तो उसको उसके बारे में योजनाएं बनाने के लिए यूएनओ ने विश्व खाद्य कार्यक्रम शुरू करा था। और आपकी जानकारी में रहा होगा कि जो एमडीएम बढ़ता है स्कूलों में वो वास्तव में डब्ल्यूएचओ का ही कार्यक्रम है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का ही एक अंग है। और जैसा कि कोरोना काल था और पूरे कोरोना काल में लगभग आधी से अधिक आबादी इससे प्रभावित हुई, उनके रोज़गार धंधे खत्म हो गए, जो प्राइवेट नौकरियाँ थी उनको निकाल दिया गया। उस दौरान हमको लगा कि जो संपन्न लोग हैं उनसे लेकर के अनाज वितरित किया जाएगा। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसको शायद सरकारी सहायताएँ नहीं मिल पा रही थी, उनके कार्ड नहीं थे, और वो अपनी सम्मानजनक सामाजिक स्थिति के कारण अनाज मांगने में भी या कहीं लाइन लगाने में भी असमर्थ थे। हम लोगों ने विकल्प संस्था की तरफ से ऐसे लोगों को चिन्हित करा और 1600 परिवारों को हमने एक एक महीने का राशन दिया। हम उसमें सिर्फ सूखा राशन देते थे, कच्चा अनाज जिसमें खाद्य तेल वगैरह सब चीज़ें होती थी। उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब अनलॉक वन में स्थितियाँ ऐसी बनी कि लोगों के थोड़े थोड़े से काम फिर से चलने लगे थे, पर फिर भी जो हमने 500 लोगों को पहले लॉकडाउन में अनाज बांटा था उसमें हमें 60 परिवार ऐसे मिले थे जिसमें 75 और 80 वर्ष के बुजुर्ग थे, विकलांग व्यक्ति थे, इस उम्र में फालिस मार जाती है, या फिर 65 वर्ष से ऊपर की विधवाएँ थीं। हम सब जानते हैं कि जब यंग अस्टर्स ही कमाने में अक्षम हो रहे थे, सुविधाएँ थी, तो वो लोग अब कमाने की स्थिति में नहीं रह गए थे। हमने ये प्रण करा कि अगले एक साल तक हम उन सबको राशन उपलब्ध कराएंगे, ऐसे 90 परिवारों को। पर इसी बीच दोबारा लॉकडाउन लग गया और हमें अपना कार्यक्रम फिर से दोबारा शुरू करना पड़ा। और एक बार फिर से कम 1600 परिवारों को तक फिर अपनी पहुँच बनाई। जिन सबके रोज़गार छूट चुके थे उन सबको हमने राशन दिया। फिर से हम जब अनलॉक वन में आ गए हैं तो इस समय हमारे पास करीब 120 परिवार ऐसे हैं जिनको हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं। अनलॉक वन में ही हमने एक बड़ी योजना शुरू करी थी, क्योंकि हमने अपनी संस्था का उद्देश्य बनाया है कि हम तंत्र मुक्त और निधि मुक्त रखेंगे। हमने लोगों के घर में सर्वोदय पात्र स्थापित करना शुरू करें। ये एक छोटा सा थैला डिब्बा होता है, हम लोगों के घर में रखवाते थे और उनसे सिर्फ ये आग्रह करा कि आप एक मुट्ठी अनाज इसमें रोज़ डालिए। उस एक मुट्ठी अनाज से 5 किलो अनाज इकट्ठा होता है और वो 5 किलो अनाज एक छोटे परिवार के लिए, मतलब 2 जनों के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त होता है, जिससे आदमी अपने आप आत्मनिर्भर भी रहे और अपनी कोशिशें भी जारी रखें। इस समय हमारे पास ऐसे 120 परिवार हैं और बरेली में 200 घरों में सर्वोदय पात्र स्थापित है। आज के कार्यक्रम के थोड़ी सी मैं स्पेस बता दूँ, आज हमने 2 कार्यक्रम रखे हैं। एक तो यहाँ पर ठीक 4 बजे एक शपथ होगी और वो चापर यहाँ ही नहीं होगी, गांधीवादी जितने भी देश में हैं अलग अलग जगह, वो ठीक 4 बजे हमारे आह्वान पर, विकल्प संस्था के आह्वान पर एक शपथ लेंगे कि हम अपने परिचितों में से किसी को भी भूख से मरने, मतलब परेशान होने सोने नहीं देंगे, भूखा सोने नहीं देंगे। दूसरी बात, एक हमने ड्राइव आज शुरू करी है। जी, ये आपकी संस्था जो है ये सरकार से कोई अनुदान देती है या आप लोग समाज सेवा करते हैं? सर, हाँ, मैं बता दूँ, मेरा जो प्रेरणा स्रोत है वो आदरणीय विनोबा भावे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि असरकारी ही असरकारी होता है। इसलिए हमने सरकार से कोई भी सहायता लेने का निर्णय नहीं किया, क्योंकि सरकार अपने आप सक्षम है, उससे सहायता लेने की जरूरत नहीं है, उनके पास अपनी एजेंसीज हैं, वो वहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। हमने समाज के संपन्न लोगों से, और इसमें तो अब हमने हर वर्ग को जोड़ लिया, क्योंकि एक मुट्ठी इतनी छोटी चीज़ होती है। पिछली बार का जो नोबेल प्राइज था वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये नारा दिया है मोदी ने, लोकल इज वोकल, तो हमने इस विश्व खाद्य कार्यक्रम का नाम रखा है सर्वोदय पात्र दिवस, क्योंकि हम सर्वोदय पात्र के माध्यम से भी वही कार्यक्रम कर रहे हैं जो विश्व खाद्य कार्यक्रम।